उज्जैन के मंगलनाथ मंदिर में दिवाली की धूम देखने को मिली। दिवाली के इस मौके पर पूरे मंदिर को लाइटों से सजाया गया था। इस दौरान गुरुवार सुबह भस्म आरती के दौरान दीपावली पर्व मनाया गया। तड़के 4 बजे भस्म आरती में पुजारी परिवार की तरफ से भगवान महाकाल को केसर और चंदन का उपटन लगाया। इसके बाद भगवान को गर्म जल से स्नान भी करवाया गया। सुबह मंदिर में रूप चतुर्दशी पर्व पर पुजारी परिवार की महिलाओं ने भगवान को केसर चंदन का उपटन लगाया। इसके बाद पुजारियों ने भगवान को गर्म जल से स्नान कराया, फिर कर्पूर से आरती की गई। साल में एक दिन रूप चतुर्दशी पर पुजारी परिवार की महिलाएं भगवान का रूप निखारने के लिए उपटन लगाकर कर्पूर आरती करती हैं। दीपावली की शुरुआत तड़के 4 बजे भस्म आरती से हुई। रात 10:30 बजे शयन आरती तक सभी 5 आरतियों में एक एक फूलझड़ी जलाकर पर्व मनाया जाएगा। साथ ही भगवान का खास श्रृंगार भी किया गया है। इसके अलावा आज दीपावली पर्व पर महाकालेश्वर मंदिर में आकर्षक साज सज्जा की गई है, जिसे देखने के लिए देश भर के श्रद्धालु उज्जैन पहुंच रहे हैं। मंदिर में दीपावली पर्व के दौरान खास परंपराओं का निर्वहन भी किया जाता है। इसी को देखते हुए मंदिर रोशनी से दमक उठा है। मंदिर की भव्यता देखकर श्रद्धालु भी अचंभित हैं। महाकाल लोक में भी खास तरह से दीपावली को लेकर लाइटिंग की गई है। महाकालेश्वर मंदिर समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर ने बताया कि मंदिर में दीपावली पर्व को लेकर 1 हफ्ते पहले से तैयारी चल रही थी। मंदिर में इस बार दीपावली पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसे ध्यान में रखते हुए मंदिर समिति लगातार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए काम कर रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।